नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और यह 35,000 अंक के स्तर को पार कर गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ 10,350 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की नरमी के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े हैं। जानकारों की माने तो तेल की कीमतों को लेकर देशव्यापी विरोध की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार के मंद पड़ने और कोरोना महामारी का अब तक कोई हल नहीं निकलने का असर सोने की कीमतों पर दिखने लगा है। सोने के दाम बुलियन मार्केट में 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है। जुलाई महीने में कई बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बीच सबसे बड़ा झटका रसोई के खर्चों में लगने वाला है। महीने के पहले दिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI बुधवार 1 जुलाई को अपने स्थापना के 65 साल पूरे कर लेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने जन्मदिन के मौके पर ग्राहकों को इस बार योनो शाखाओं का तोहफा देने का फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।